पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद तैंडी बंदिश मैं कोई ना डिठा तू नानक मन भाणा कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले जै मिल कंत पछाणा कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले जै मिल कंत पछाणा सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो सूही महला पंजवा महायगन ते तुद हाथ दे राखे पे तेरी शरणाई तेरा मान तान रिदे अंतर और दूजी आस चुकाई महायगन ते तुद हाथ दे राखे पे तेरी शरणाई तेरा मान तान रिदे अंतर और दूजी आस चुकाई मेरे राम राय तुद चित आए उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा युधरे रहा अंधकूप ते काढ लिए तुम आप पहे किरपाला सार संभाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतिपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता भेटिया सतगुर पूरा परम गया पै मोह बिनासे मिटया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता भेटिया सतगुर पूरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी दातार पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप जीआं दी अपार बख्शिश शाम समय असी
गुरशब्द की आभा मानन गोचरे गुरदरबार की सुध प्राप्त की है। वडभागी हाँ जो साड़ी ग्लोबल संगत है स्पेसिफिकली टीवी राही सोशल मीडिया राही ऑल ओवर द ग्लोब उसनू भी खैर मकदम जी आया नूं। अजे हुणे आप हरी जस कीर्तन सरवण कर रहे सीगे हुण गुरु शब्द की व्याख्या नाल सांझ पावांगे। राग सूही विचार गोचरे है गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचरित किया गया शब्द सानू प्राप्त है। इस पावन शब्द की व्याख्या हमेशा की तरह मुख सुनेहे तो रहाओ दे बंद तो प्रारंभ कर रहे हाँ। साहब जिक्र कर रहे ने मेरे राम राय तुद चित आया उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे। मेरे राम राय तुद चित आया उबरे। राम राय उस हस्ती नूं जिहड़ी जर्रे जर्रे दिच रवी हुई है ओमनी प्रेजेंट आ ते जिदा हुक्म असल च एज ए ह्यूमन बीइंग असी सोचते हाँ कि साड़ी हकूमत आ या कुछ लोगों की हकूमत आ या असल विच असी सब कासे नूं चला रहे हाँ। जे सही रूप में देखा जाए तो उस हुक्मी का हुक्म सानू सब नू पालना पै रहा है उदे हुक्म विच ही सानू चलना पएगा। जे अज दे सी सनैरियो विच देखदे हां ते COVID-19 इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द ग्लोब स्पेसिफिकली सदन ऑफ द बॉर्डर साडे इत्थे जो हैगा स्टेट्स दे विच जे दुनिया भर ते चात मारीए ते USA वर्ल्ड पावर आ सारी दुनिया दी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स सारी दुनिया दा जिहड़ा पूरी दी पूरी स्टेज आ उहनू रन करदा है ते उहनू रन करदा होया अपने आप नूं क्योंकि एक USA दा प्राइड भी है जिहड़े इत्थों दे रहण वाले ने लीडर ने दे ऑलवेज टॉक अबाउट दैट प्राइड। पर तुसी देख रहे हो कि उस प्राइड दा उस सारे दा हुण की बनया बैक टू बैक जे अज ती सी देखिए बीते कल ते अज दे विच मतलब हाईएस्ट नंबर जिहड़ा कदी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा इन्ना नंबर आ चुका है। सो इस लैवल ते पता लगा कि जे उन्हां तो पुछया जाए पीपल हू आर क्लेमिंग दैट वी आर द सुपर पावर पीपल हू आर क्लेमिंग दैट वी आर रूलिंग द वर्ल्ड एंड एट प्रेजेंट हुण पता लग रहा है कि कोई वड्डी चीज आ जिहड़ी सारे दे विच रवी हुई है जिहड़ी रूल करती है। बंदा चाहे भी जिन्ना मर्जी ताकतवर होए जितनी मर्जी उहदे कोल रिसोर्स होण समर्था होए एवरीथिंग एक्चुअली उस सारे हुक्म दे सामने जीरो हो जाती। यही हुक्म है यही है तो साडे सब की ये आभ आया। आई एम गिविंग एग्जाम्पल एज ए कंट्री बट इफ वी टेक दिस एग्जाम्पल एज ए इंडिविजुअल अपने आप ते लैके आई है उही बंदा जिहड़ा बड़ा ताकतवर आ बड़ा समर्थ आ माड़ा जिहा कोई सेहत विच फर्क पैंदा आ बिल्कुल जिहड़ा आ ढेरी हो जाता ना चाहते हुए भी। ईवन कई बार फिजिकल साइड तो बिल्कुल ठीक आ कोई मैंटली डिप्रैशन की है मैंटल हैल्थ जिहड़ी हैगी है फिजिकल हैल्थ तो ठीक आ पर कुछ इहो जी चीज़ मन विच आ वसी है कुछ इहो जी बात हो गई है सब कुछ जिहड़ा आ वो मीनिंगलैस लग रहा है बेमानी लग रहा है। बंदे च घबराहट की है कोई किसी गल तो छोटी जी गल तो आया तो एकदम एनगजाइटी आनी शुरू हो गई। सो छोटिया छोटिया चीज़ा जिहड़ियां ने इत्थे जाके पता लगता है कि एक वड्डी कोई शक्ति कोई एग्जिस्टेंस साढ़े सारे दे विच
रव रही है उन्हों गुरु साहब राय कहिंदे ने उदी असल च राज सत्ता आ उदा हुक्म आ जिहड़ा सब कासे नू चल चला रहा है इस तरीके दे नाल। ये गुरु अर्जन साहब का बचन है मेरे राम राय वो मेरे रमे हुए हुक्मरान हुकूमत करन वाले वो राय उस सत्या रखन वाली ताकत तेरे नाल मैं मुखातिब आ मैं तेनों एड्रेस करदा आ कि तुदचित आए उभरे तुदचित आया उभरे उभर जाना ये भी एक सच है बड़ा वड्डा कि बंदा किसी दे मारिया ना मरदा आ किसी दे डिग्या ना डिगदा आ ना कोई बहरूनी एक्सटर्नल जिहड़ा सोर्स आ वो किसी तरीके नाल तुहानू नुकसान पहुँचा सकता अंटिल और एटलीस्ट तुसी इंटरनल साइड तो रेडी नहीं होंदे। बंदा जदों गिवअप करता अपने अंदरों या किसी चीज़ नू खैर मकदम करता है जी आया कहिंदा तां ही कोई चीज़ आके जोर पाउंदी है उहदे उत्ते। जे इस नू असी बोटैनिक साइंस च लै आईए तो बात पता लग रहा इस ते खास करके प्लांट रिलेटिड साइंसिस दे विच कि जिवें सपोज करो एक समा सीगा जदों जिवें प्लम ने एप्पल ने पीचेज ने सारिया के उत्ते बाहरों कीड़ा ना लगे स्प्रेयां कीतियां जांदियां सी हौली हौली करके जिहड़ी रिसर्च थोड़ी एडवांस लैवल ते गई तो पता लगा एक्चुअल लैवल ते जिहड़े सेब कुछ काणे हो जांदे ने या कुछ इस किस्म दे नाल उन्हां च कीड़ा बाहरों नहीं इनसर्ट हुंदा नहीं नहीं उहदे च हुंदा इह है कि जो प्लांट हैल्दी नहीं तो अनहैल्दी होण करके जो उहदे च फ्रूट डिवेलप हो रहा आ उस फ्रूट दे विच किते ना किते जिकते उहदे फाइबर की प्रॉपर जिहड़ी है बनतर ना बने फाइबर प्रॉपर जिहड़ा हैगा उहदे च अपने आप नूं जिहड़ा हैगा बना ना पाए फिर किते ना किते स्पेस रह जांदा जिहड़ा वैक्यूम है जिहड़ा एम्प्टी स्पेस है उहदे विच उहदे च फंगस पैदा हुंदी है उही फिर असल च कीड़े विच डिवेलप हुंदी है ते जे किते थोड़ा जिहा उह बाहरले पाले पासे होए भाव जे किते उह उहदी जिहड़ी आउटर लेयर आ उहदे नेड़े होए फिर उत्थों ही उह जिहड़ा हैगा उह स्क्वीज़ कर जांदा जिहनूं असीं काणा होया कह दिंदे आ वी काणा हो गया सेब या प्लम या कोई भी चीज़ हैगी है। हुण तों पता लगा कि जिहड़ा कीड़ा आ जिहड़ी कोई बीमारी है वह बाहरों नहीं आ रही अंदरों पैदा हो रही है अंदरों जे वह सॉलिड नहीं जे अंदर वो अंदर जिहड़ा है उस किस्म दे नाल प्रॉपर जे कहा जाए कि भरिया ना होएगा उहदी फुलफिलमेंट नहीं होएगी जिहड़ी एम्प्टीनैस आ वह बाहरों आके उत्ते जी है बाहरों भी कोई फोर्स है वह भी जोर पा लेगी फिर जो एक काणा हो जाता फिर मिट्टी भी उत्थे जमा होंगी फिर बैक्टीरिया भी फिर वो अपने आप रूटेड हो जाता उस तरीके दे नाल सो सब चीज़ा जिहड़ियां ने उस तरीके नाल होनियां शुरू हो जांदियां। एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ में लै ली जाए सब तो पहला साढ़े क्योंकि दो कुदरत ने बहुत कमाल दीआं चीज़ां सानू बख्शिश कीतियां एज ए ह्यूमन जिहड़ा साडी मेंटल एबिलिटी कह लो या जिहनू असी अपना ब्रेन एबिलिटी भी कह सकते हैं जिहड़ी साडी न्यूरो एबिलिटी है वायरिंग दे विच सारे दी सारी इहदे अंदर दो चीज़ां कमाल दीआं कुदरत ने सानू बख्शियां दूजे क्रीचर्स के मुकाबले वन इज मैमरी एंड सैकेंड इज इमेजिनेशन ये दो चीज़ें ही कमाल दियां ने पर जिहड़ियां कमाल दियां चीज़ां ने दो शुड बी इस लई लाइक ए मिराकलस चीज़ां साडे वास्ते पर उही साडे वास्ते सब तो वड्डा सोर्स ऑफ मिसरी बनदियां ने जिहड़ी मैमरी है जदों उहदे च जिहड़ियां चीज़ां कैरी नहीं करनियां चाहीदियां वह कैरी करके रख कर लैंदे आ जिवें सपोज करो कोई इंसीडेंट होया कोई चीज़ होई कोई बिटर एक्सपीरियंस कोई चीज़ उहनूं डिफरेंट ढंग नाल परसीव कर लिया हुण अंदर बिठा लिया उहनूं बंदा उहनूं वार वार रिपीट करी जांदा सोची जांदा रिमाइंड करी जांदा अपने आप नूं होएगा कि डर वधी जाएगा डर वधी जाएगा या किसी के बारे बिटरनैस वधी जाएगी जैलस वधी जाए कोई भी चीज़ मैमरी है हुण उह जिहड़ी चीज़ उस तरीके नाल लगातार एक्यूमुलेट करी जाओगे उहनूं इकट्ठियां करी जाओगे करी जाओगे वह बॉदर करेगी लोंग रन दे विच उह फिर तुहानूं जिहड़ा हैगा आ उहदी सारा तुहाडा जिहड़ा जिन्नी पॉसिबिलिटी है लाइफ की सारी डिम हो जाएगी दैट गोना बी एक्चुअली टोटली टेकन अवे फ्रॉम यू
ड्यू टू दैट वन एक्ट विच इज हैपनिंग ऑल द टाइम इन मैमरी। ये रूप आ फिर जे कि बहुत ज़्यादा बंदे उत्ते आ जाए बंदे की नींद भी खराब हो जाती है जी स्टेबिलिटी जी जोड़ा फोकस है वह भी ज्यादा लगता आ फिर बंदा गवाचा फिर इसे कई लोग कहते कितने गवाचा है तो वो मैमरी लै गई सारा कुछ। हालांकि बड़ी मिराकलस चीज़ सी बट बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू एक्चुअली डील किवें करना वो नाल। फिर दूसरा है इमेजिनेशन। सानू असी जिवें सपोज करो इमेजिनेशन यूज करते हैं छोटा जिहा बच्चा आ उन्हें तुसीं स्कूल भेज दिओ स्कूले पढ़ता है वो तुहानू कोई आके पोएम सुणाउंदा है कोई तुहानू तुहाडे सामने कोई क्वेश्चन जिहड़ा हैगा उहदा आंसर करदा आ कोई मैथमैटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करदा है तुसीं उहनूं फिर सुनैरियो देंदे हो तुसीं कहिंदे हो एज यू आर एक्चुअली शोइंग मी और डेमोस्ट्रेटिंग योर एबिलिटीज टू वर्ड दिस सब्जेक्ट इन दिस क्लास आई कैन इमेजन In 5 years, in 10 years, you are gonna be the marvelous actually student. You are gonna be a good engineer, good kind of scholar, good kind of any professional. So idhar ki oh fir imagine karna shuru kar denda hai. Hun jehdi imagination hai ohnu higher level te le jande hai. Ehi cheezan hai. Innu loki supne kehnde ne, innu loki hope kehnde ne, innu loki fir umeed kehnde ne, eh cheezan chaldiyan ne. पर जे ओही जड़ी इमेजिनेशन आ तुसी रोंग परस्पेक्टिव विच ले आओ एक छोटी जी मिसटेक कोई कुछ होया तो उन्हें इस तरीके नाल तुसी जड़ा है पोर्ट्रेट किया या उन्हों किसी के सामने प्रेजेंट किया उन्हों क्या भी बस तू तो खत्म है हुण अगला लैवल सोच तेरी जिंदगी तो ओवर आ। जिहड़े लोग सुसाइडल तक बन जाते हैं इमेजिन करते हैं सारा कुछ टुक फ्रॉम वन समॉल इंसीडेंट they imagine it in a higher level and then imagine on higher level and then they realize oh the game is over. main us mushkil vich ja ke maranga kuch hoega is to pehla let's die now that is I don't have to face that much hun hunda kuch bhi nahi kai vari imagination kari ja rahe sare de sare is sare nu aj mental health de vich counter karan vaste they are suggesting us so many therapies, so many different approaches, and in all of them actually they are sharing one component. That one component is spirituality, adhyatmakta jehdi hai oh kehnde innu vi thoda involve karo vich. Sada gurmata school of thought keh reha ki chete kyon nahi karda चेते किसनों करांगा रब नु अकाल पुरख वाहिगुरु। लैट मी एक्चुअली ब्रिंग फ्यू शब्द डायरैक्टली फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब। महाराज बयान कर दे तू ने कम करया कर रमैया के गुण चेत परानी अपने चेते देच ना रमे हुए रब दे गुण याद करया कर। वट शुड आई एक्चुअली रिमाइंड टू माई सैल्फ बाबा जी कैन यू अलैबोरेट लिटल बिट दैन बाबा जी इज अलैबोरेटिंग इन दिस शब्द। बाबा जी सिंह रमैया के गुण चेत परानी वट शुड आई एक्चुअली रिमाइंड। महाराज कहते कवन मूल ते कवन रिश्तानी। अज मैं लगता है कि ओहो फलां मुश्किल बड़ी वड्डी है मेरे तो सॉल्व नहीं होनी फलां चीज नहीं हो सकनी आ काम नहीं बन सकना सो आई हैव दीज हर्डल्स इन माई लाइफ इन माई सक्सेस एंड आई वोंट बी एबल टू लिफ्ट दैम सो दैट्स वाई माई लाइफ इज मीनिंगलैस। महाराज एग्जाम्पल कर दे अपने आप नूं चेते ते करा याद ते करा कवन मूल। एक दिन तो कुछ भी नहीं सीगा नथिंग यू आर जस्ट एग ऑफ ए फेमिनिन जेंडर एंड स्पर्म ऑफ ए मैस्कुलिन जेंडर दैट्स इट। एंड वंस लाइफ स्टार्टेड एक्यूमुलेटेड और एक्यूमुलेशन वॉज हैपनिंग दैन तो एक फीटस विच कन्वर्ट होना शुरू हो गया एंड इट हैपन्ड एंड दैट टाइम यू वर नॉट अवेयर एट ऑल। तेरी जिन्हों तुसी कॉन्शियस कह लो अवेयरनेस कह लो उहदा ते नाम ही नहीं सी हैगा इवन यू वर नॉट देयर थिंग्स वर हैपनिंग। रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते की सीगा मूल ते ही सीगा ना कवन दृष्टानी एंड आफ्टरवर्ड तू सारे दे विच्चों
की बने तू वट आर यू लुकिंग राइट नाउ तू की दिस रहा है हुण आ जिहड़ी चीज़ आ इह चेते करना यह है वार वार अपने आप नू रिमाइंड कराउणा यह सिमरन है जो बंदा इस लैवल ते चेते करेगा जिहड़ियां मुश्किलां सामने लगियां होंदियां ने उहदे पता लगेगा कि मदर नेचर हैज़ गिवन मी सम रूल्स आई विल प्ले दोज रूल्स रेस्ट ऑफ लीव टू ऑलमाइटी जिहड़ा इन्ना कुछ पिछे करके आ रहा करा के लिया रहा करेगा मैं जिहड़ा मेरा रोल बनता आई विल डू दैट इत्थे फिर तुसी डूअर नहीं रह जांदे यू आर जस्ट एक्चुअली एक एक्टर हो यू आर जस्ट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ मदर नेचर्स लॉ एंड यू आर नॉट ब्लेमिंग योर सेल्फ और इवन यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ यू कैन से क्रेडिट इफ समथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली मिराकुलस यू आर सेइंग नो 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 दैट्स मदर नेचर्स लॉ एंड दैट लॉ इज प्रोवाइडिंग दीज अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम जस्ट अवेलिंग दैम इस रूप च बात आ रही है इत्थे जाके फिर ना कोई बंदे दे अंदर उस दुख की धारी बनती है ना सुख की बनती है एक बिल्कुल बैलेंसड अप्रोच यह है चेते आना गुरु बाबा जी वास्ते बहुत रैशनल साइड तो बात लिया रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया उन्हें क्यों नहीं चेते करता जिन्हें तेनों कमाल का साजिया हैगा कमाल का साजे हाँ आप देखोगे अजकल दाने लोग बड़े कमाल दे एग्जाम्पल्स करते हैं सपोज करो क्या साजिया रब जी ने तुसी ह्यूमन फूड खाते हो जो फल फ्रूट वगैरह जो कुछ भी है तो सारा कुछ इस देही च बनता है सब चीज़ा बन दिया ने सपोज करो तुहानू जानवरों का फूड देना शुरू कर दी है जिहड़ा फूड डॉग्स नू खवाया जाता है या पशुओं की फीड तो बहुत गुरबत गरीबी कई बार लोग भी खाते हैं वह खाना शुरू कर दो की हो जाएगा कि शरीर जानवर का बनना शुरू हो जाएगा नो वे बंदे का ही बनेगा ये जो क्योंकि कुदरत ने जो तय किया उही बन रहा उही हो रहा है क्या साज रहा जिन्हें तू साज सवार बड़ा सवार सवार के भी साजिया फिर उन्हें मैं एक बार मैं याद है कि चाइना तो रिपोर्ट आ रही थी मेडिकल साइड तो उन्होंने एक एक्सट्रा जिहड़ा हैगा हारमोनस पा के बॉडी दे विच किसी का नक् एक्सीडेंटली वो जिहड़ा हैगा खराब हो गया सीगा तो उन्होंने फिर उन्होंने उहदे मत्थे दे विच एक होर जेनेटिक मेकअप दे विच नाल कोई डिस्ट जिहड़ा हैगा इंटरफेरेंस करके उहदे मत्थे ते नक् उगाया पहला ताकि उन्होंने फिर असीं कट के सर्जरी असीं इत्थे लगा लवांगे क्योंकि बाकी तो एथिकली इस चीज़ में अलाउ नहीं करते तो वो करी जाते हैं सारा कुछ तुसी स्टेम सैल्स जिहड़ी थैरेपी वगैरह वो भी उन्होंने अलाउ कर दिती उत्थे ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा अजकल सारा हालांकि इत्थे कहिंदे नहीं 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 दिस इज़ अनएथिकल आ तो मैं खुद देखिया वो जदों नक् तो किन्ना सारा नक् का उभार एवं उग गया सीगा फोटो वगैरह आई हैं एंड दैट लुक्स टोटली अगली बंदा कहे ओ आ किदा है पर जो असं अपना नक् वेखते हैं अखा वगैरह मंदिर क्या सोहनी लगती है बड़ा सवार के बनाया उन्हें मैं तो कई बार मिसाल इग्जाम्पल करदा तो इन सिंपल लैवल से देखो सूँ पता नहीं गा कि जेडे साडिया सारिया उन्हें कुदरत ने ते करतार ने जिवें चीज़ा बना के लगाईया ने सानू कितनी यूजफुल ने या जिवें असी सारा कुछ ये इवॉल्व होया कुदरत दे नियम दे विच ये भी कितना यूजफुल बनया है सपोज मैं मिसाल दिना इस मिसाल ये हैगी है कि जड़ा आ तुसी रात नूं कुछ हैवी स्नैक्स वगैरह लै ले शाम समय तो जड़ा पुछया करदे ने डिनर च की लोग ने डिनर नहीं लेना मैं ऑलरेडी आई एम फीलिंग स्टफ्ड सो आई कैन नॉट ईट एनीथिंग ठीक है जी सो गए अद्धी रात तो भुख लग गई भी ओ हो हूँ तो असल सुता नहीं जाना कुछ खा के आने उठाना की किसी ने हूँ जाके आप ही किचन में वट एवर लैफ्ट ओवर इज देयर आई विल ईट तुसी आए तुसी जिहड़ा हैगा फ्रिज खोली तो यू आर सर्चिंग फॉर फूड
बट समहाउ देयर इजंट एनी फूड, कोई लेफ्ट ओवर है ही नहीं, किसी ने बनाया नहीं डिनर, उन्होंने कहा चलो कोई ना थोड़ा बहुत सारे खा के चले गए। चलो कुछ खाने लिए नहीं कुछ भी हैगा उत्थे, होर कुछ नहीं, फ्रिज दे विच एक चीज़ तो पई होगी, साढ़े जो कैनेडियन एनवायरमेंट की गल करिए एटलीस्ट जूस पिया होएगा, नहीं तो दुध तो पिया ही होएगा पक्का। उन्हें सोचा कोई ना आप एक कम करते हैं, थोड़ी रात रह गई है, दुध का कप भर के थोड़ा वार्म करके माइक्रोवेव दे विच ते पी जाने, ठीक है जी। वो उतों कढ़िया जग, जग पाया कप दे विच, माइक्रोवेव किया, तो क्या चलो लेट्स हैव इट। हुण कुदरत ने एक देखो कमाल की चीज़ बनाई, अखां च नींदर भरी है इस तरीके, बंदे ने कप चक्या जिवें ही होठां दे कोल इस तरीके पीण वास्ते लैके आया, बिल्कुल उत्ते नक लगा, बिल्कुल उत्ते नक ने राइट वे उहदा अरोमा जिहड़ा सीगा उहनूं सेंस कीता, स्मैल कीता, उहने राइट वे ब्रेन नूं दस दित्ता डोंट ईवन टेक सिंगल सिप। वाई? बिकॉज ये खराब हो चुका है, स्मेल नहीं ठीक आ रही। क्या सवार के सजाया उन्हें, देखो तुसी, मतलब ऐसा ला इहदे च कम कर रहा, बंदा सोच भी नहीं सकता। जिन तू साज सवार शिंगारिया बड़ा खूबसूरत, खुराक सही दिओ शरीर नूं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, अपने आप वाल वेख के आप ही बंदा खुश हो जाता, क्या बनाया है चेते कारण, यह है चेते कारण। जदों तुहाडी मैमरी वार वार तुहानू रिमाइंड कराएगी, याद कराएगी, दिस इज कॉल्ड सिमरन, ये तुहानू बचा लेगा। अदरवाइज ये मैमरी दुनिया भर का कूड़ कबाड़ा इकट्ठा करके विच बिठा लेगी। एंड पीपल यू कैन सी इन साइड यूर सैल्फ एंड ईवन वैन एवर पीपल टॉक टू यू वट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर होल्डिंग और दे आर एक्चुअली प्रोसेसिंग इन देयर मैमरीज और इन देयर psychic world, and we totally actually we can laugh on it, and just sometime I feel very pity for them. Why are they holding that much garbage in their memories? Because they don't know how to replace it. Maharaj is giving example, this is the way to replace. Ramayya ke gun chet prani, why don't you pay attention to what that existence which have made you like that as a human? सो इतों जी बात निकल के आ रही है, वो दी बात गुरु अर्जन साहब कहते, मेरे राम राय तुद चिते आए हैं, जो तू चेते आ गया, जो तेरे नाल इस किस्म की रिलेशनशिप बनाई, उभरा उभार हो गया, मीन जेड़ा कुछ मैं समझ आ गई कि जीवन का असल मकसद की है, जिहड़ियां वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज सीगियां जिन्होंने मेरे जीव जिंदगी दे विच कुछ कदर कीमतों की स्थापित करनी सी, वह मैं समझ आनी, उभार ही होंगे जीवन का। अदरवाइज बंदा जीवन दे निगर जाता है, निगरन का मतलब की है कि कोई एथिक्स नहीं, प्रिंसीपल्स नहीं, लाइफ दियाँ जिहड़ियां वैल्यूज ने उन्होंने बंदा छड़दा तुरिया लगा जाता है। वैल्यू बेस्ड यही है, खाण पाण रहन सहन का पता होए, बंदे नूं यही नहीं पता सौना किन्ने बजे उठना किन्ने बजे है, डिसिपलिन कोई नहीं गा, दैट मीन बेकार जा रही है लाइफ। फिर यह नहीं पता पढ़ना की है, वेखना की है, सुनना की है, बोलना किवें है, वैल्यूज ने ना जिन्हों बाद मैनर्स कह दें, एटीकेट्स कह दें, यही चीज़ा ने। फिर अगले लैवल से बात आती हाउ टू डील विद पीपल, स्पैशली भावें हाउस होल्ड अपना है, फैमिली है, भावें नेबरहुड है, भावें मतलब ऑल वेयर एवर वी गो, सो इस सारी चीज़ में देखो तुम, यह है उभर जाना, उभरना उभार हो गया, बंदा निगरिया नहीं उभर गया, वो अपलिफ्टिंग हो गई, वो किसे लैवल ते अपने उस चीज़ नू जिहड़ा हैगा कैपेबल हो गया उन्हें पॉसिबिलिटीज़ नू अवेल करन वास्ते जिहड़ियां लाइफ दे नाल कुदरत नू बख्शियां सीगियां। गुरु अर्जन साहब कहिंदे, ये है मेरे राम राय तुद चिते आए हैं उभरे, तेरी टेक परवासा तुमरा, टेक अमीन एक्चुअली जदों दे ते तुसी अपने आप नू जिहनू रिलाई होना भी कहने, मैं किसी चीज़ ते रिलायबल रिसोर्स नू किसी तरीके नाल मैं फॉलो कर रहा हैगा। सब तो बड़ी चीज़ ये है कि तुसी किस चीज़ उत्ते अपने आप नू टेक रखोगे। गुरु बाबा जी ने कहा रब दे नाम ते, उहदी आस्था ते। अजे भी साढ़े कोल स्टडीज़ आ रही ने, हालांकि अज असी जिस कल्चर च रह रहे हैं, पीपल हु बिलीव इन मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ दे आर इन मिनोरिटी इन कैनेडियन सोयल, ये सच्चाई है।
कैनेडा वर्गे मुल्क दे विच जिहड़े फैमिली वैल्यूज़ ते मैरिड इंस्टीट्यूशन फॉलो करते ने वो मिनोरिटी आ गए हैं, मजोरिटी लोग कितों भज रहे हैं, वो गिवअप कर गए हैं। हुण स्टडीज़ आ रही साढ़े कोल सोशियोलॉजी दे विच कि जिहड़ियां जिन्हां दे कमिटमेंट बड़े सक्सेसफुल ने, जिहड़े लोग एक दूजे का हाथ फड़दे ते दूर तक सफ़र करते इकट्ठे हम सफराना तंग दे विच, उहदा वड्डा हिस्सा वह लोग ने जिन्हां दीआं मैरिजेस या कमिटमेंट जिहड़े ने एक स्पिरिचुअल एनवायरमेंट दे विच होए ने रिलीजियस सैरेमनीज़ दे नाल। बिकॉज हुंदा उहदे च इह है कि वह फिर एक दूजे नूं ईवन गुरमत स्कूल ऑफ थॉट दे विच गल आ, जदों असीं दो जीआं नूं एक दूजे का पल्ला फड़ाउंदे आ असीं दसदे हाँ कि एक्चुअली ना तुहानूं इह रिश्ता जिहड़ा दोहां नूं गुरु दे हजूर ब्लैस किया जा रहा, दिस इज ए ब्लिस। हो सकता है तुसां दोहां ने एक दिन चूज़ किया होए, बट हुण तुसीं ये भुल जाओ कि तुसां मैं नूं लभिया ते ने मैनूं लभिया, ना 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 ना, तुहानूं दोनां नूं रब ते गुरु ने वड्डा आशा दिता इस मैरिज जिहड़ी लाइफ आ इहनूं जीण वास्ते। हुण आ जिहड़ी चीज़ आ इह हो गया भी टेक उहदे ते हो गए, एक नाम का रब का सहारा ओट ये चीज़ आनी शुरू हो गई। इतने गुरु अर्जन साहब ने बयान किया है महाराज कहते तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे, जो तेरा नाम जपया। हुण इत्थे नाम जपना लिटरली तौर पर एक एक्टिविटी है जिन्हों अजकल मैडिटेशन कहा जाता है, माइंडफुलनेस कहा जाता है, वी हैव सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स फॉर इट, बट दिस इज ए असेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जिंदगी का बड़ा जरूरी हिस्सा आ, जिवें तुसीं फूड का इनटेक करते हो, जिवें असीं जिहड़ी हैगी ऑक्सीजन इनहेल करते हैगे आ, सब चीज़ां जिहड़ियां ने इन बिन तुहाडे अंदर एक अध्यात्मी तौर पर एनवायरमेंट बनना बड़ा जरूरी है, नहीं तो लाइफ बड़ी ड्राई हो जाएगी, बड़ी ज़्यादा खुश्क, तो खुश्क जिंदगी जिहड़ी है लंबा समा नहीं चलती। उस खुशकी नूं दूर करन वास्ते बोर्डम इत्थों ही आउंदा ना वड्डे लैवल ते, आइदर सबसटेंस आउणगे नशे आउणगे या कोई होर एडिक्शन आएगा, या फिर लोंग रन दे विच बंदा जिंदगी तो उबास जाएगा, हुण लगेगा कुछ नहीं। सो ये जिहड़ी इहदा रंग आ यही माइंडफुलनेस जिहड़ी सुरत आपता है भरदी है। इत्थे गुरु साहब कहिंदे ये भाई अर्न करनी पैंदी है, दिस इज कम विद एफर्ट, यू हैव टू अटेन इट। सो क्या जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ, शुरुआती पता आ महा अगन ते तुद हाथ दे राखे पे तेरी शरणाई। महा अगन एक है विजिबल अग, तुसी उहदे च हाथ पाउंदे हो तो पता लग जांदा है साड़ देगा तुसी बच जांदे हो, पर जिहड़ी इनविजिबल अग आ जिवें सपोज करो बच्चियां नूं तुसी इंजॉय करन वास्ते टीवी लगा के देंदे हो, वीडियो गेम प्लेयर्स पाए करदे हो, एक्सबॉक्स ते होर PS4 ते इहो जिहियां चीज़ां गेम्स लिया लिया के देंदे हो, सारा कुछ कंप्यूटर लिया के देंदे हो सारा कुछ, सो दैट दे हैव समथिंग एजुकेशनल समथिंग इंजॉएबल। उदों ही पता लगता है जदों एडिक्शन बन जाता है, एक ही बनिया उत्थे जाके फिर इंडिविजुअल आप भी सफर करते ने। मैं खुद देखिया बहुत एक जरूरी असाइनमेंट आ हुण जिहड़ा हैगा बहुत जरूरी अज कोई एकेडमिक टास्क फुलफिल करना आ, मन नहीं लग रहा, मन वार वार कहिंदा लेट्स प्ले वन मोर राउंड। ये की हो गया, हुण अग साड़ रही है, हुण जिहड़ी वो जिहड़ी चीज़ हुण फना कर रही है, हुण इहतों किवें बचांगा, ये इनविजिबल अग आ। इसलिए वी नीड सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस, वी हैव टू हैव सम टाइम वेयर वी कैन सिट जस्ट विद आवर सेल्स एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, इफ आई विल डू द सेम एक्टिविटीज आई एम पुटिंग होल एनर्जी टूवर्ड दैट, वेयर इट इज गोइंग टू टेक मी, दैट इज माइंडफुलनेस। जिहड़ा सिमरन ते बाणी दा कॉन्सैप्ट रमैया के जो बात की चेते च चीज़ां लैके आउणियां, हू एम आई वेयर आई एम गोइंग, इहदा मतलब यह है तुसी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, एंड टॉप ऑफ दैट
घबराओ ना, रब अंग संग है, उत्ते भरोसा रख के सही रूप से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। इत गुरु बाबा जी कहिंदे पॉसिबिलिटी सी ये जिंदगी हो के भी खत्म हो जाती, पर होया कि महा अगन ते तुद हाथ दे रखे, तू हाथ दे के बचा लिया विच्चों, पे तेरी शरण आई, क्योंकि मैं तेरी शरण आ गया, तेरा मान तान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई, होर सब आसां छड़ दित्तियां। असी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, छोटे बच्चे की डिपेंडेंसी माँ बाप से होंदी है, हौली हौली माँ बाप सीन तो अलोप हो जाते हैं, तो होने चाहिए ने। जे माँ बाप, मैं तो देखा आ 22 साल का बच्चा हो गया, 25 साल का बच्चा हो गया, माँ उन्होंने सवेरे पुछ रही है, वो ब्रेकफास्ट कर लिया तू, मैं ब्रेकफास्ट बनावा तेरे वास्ते, माँ व्हाट आर यू डूइंग, इन्हें तो पता होना चाहिए इन, मतलब ये जड़ी चीज़ है डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। फिर यही नहीं, असी होर बहुत सारी डिपेंडेंसीज क्रिएट कर लिया ने, जिस असी कोई बंदा लभदे हाँ, कई बार रिलेशनशिप्स भी इसे इतों इतों असी जड़िया ने अकॉर्ड करते हैं। हालांकि चाहिए ये है कि असी रिलेशनशिप इस तरह बनाईए, जो तो मेरे को प्रेम का मतलब होंगे, तो मतलब खास करके वैन वी गैट इनवॉल्व सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मेरे को कुछ है मैं किसी को देना आ, नाउ आई एम रेडी टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो की है, मैं एक फैमिली रेज कराँगा हूँ इतने, क्योंकि आई हैव दैट एबिलिटी। इस चीज़ वास्ते ये मैं भरोसा कि अदरवाइज लोग डर जाते, नाउ इट इज पीपल आर टोटली एक्चुअली टेलिंग अस डायरेक्टली, ओ भाई साहब नो 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 आई डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली रेज एनी फैमिली ओवर हेयर इन दिस वर्ल्ड। क्यों? मेरे वर्गा एक होर इंडिविजुअल या दो होर इंडिविजुअल, चार होर इंडिविजुअल धरती आ जाएंगे, डू यू थिंक देखो ना एक्चुअली डू एनीथिंग गुड फॉर दिस वर्ल्ड? नो। इवन आई एम थिंकिंग मेरे वर्गा एक इंडिविजुअल ना होंदा धरती ते फायदा ही सीगा, बचा ही सीगा धरती का, दैट इज़ अ वेरी पैसिमिस्टिक अप्रोच। ये फिर सब चीज़ा जी अच्छ सनैरी चल रहे सारे सारे, क्योंकि साड़ी टेक कि हो गई, जो तो गुरु बाबा जी से जिक्र करते ना कि हूँ आस तेरे ते, तू रिदंतर सब थान बस रहा है, मैनू जो रोल मिले मेरे विवेक दे, मेरा इनर इंस्टिंग जो प्रॉपरली मैं गाइड कर रहा, आई विल गो विद दैट एंड आई विल ऑलवेज बिलीव इन यू ओ ऑलमाइट यू एग्जिस्टेंस। अगला बचन लिखा, अंधकूप ते काढ़ लिए तुम आप ले पए कृपाला, ताकि अन्ना खूह है जिहड़ा इनफ्लूएंस साडे ते बिना सानू पता ही नहीं असी किहड़े इनफ्लूएंस च आ गए। नाउ इट इज साडे कपड़े पाउणे, साडा खाणा खाणा, सानू खुद नूं नहीं पता कौन सानू खवा रहा है, किदे किन्नू असी फॉलो करी जा रहे हैं। वैसटर्न कल्चर एवें नहीं अडोप्ट कर लिया, अखां बंद करके कर लिया, सानू पता ही नहीं है। अज पता लग रहा है कि जिहड़ियां अल्टरनेटिव वेज ने, थैरेपीज़ ने, पैथीज़ ने, किन्ने काम दियां ने। अज इम्यूनिटी की गल हो रही COVID-19 दे विच, ते इम्यूनिटी वास्ते जिहड़ा साडा ट्रेडिशनल किचन सी किड्डी कमाल दी सीगी, एंड पीपल आर गोइंग टू वर्ड दैट साइड। जिहड़ा इनकलाइन फूड असी इन्ना इनटेक करते सीगे, जिहदे च पुदीना आउंदा, तुलसी आउंदी, न्याज बोझ आउंदा, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, नाउ पीपल आर गोइंग टू वर्ड डायरेक्टली टू वर्ड दैट साइड। ये की है होया कि चला ते दूर क्यों चला गया? अंधकूप कन्ने खूच डिगे जाके, बिना सोचे समझे व्यस्त उस चीज़ को फॉलो करिए करिए करिए, अन्ने भगत बन गए। वे महाराज जिक्र कर दे, अंधकूप ते काढ़ लिए तुम आप पए कृपाला, तू आप कृपा दे घर च आया, सार संभाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतिपाला, बाकी तू सार संभाल करने वाला, तू आप प्रतिपालना करने वाला, मैं क्यों घबरावां? अपनी नज़र करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए, जो नज़र तरस के घर च आउंदा ना फिर वो बंधन कट देना है। बंधन इनविजिबल ने भी, ये भी डायरेक्ट दिसदे नहीं है, पर हाँ महाराज कहते है ने, अपनी भगत प्रभाप कराई आपे सेवा लाए। बाकी जड़ा ये भगती है करदा बंदा आ, करवाउंदा करता रहा, जो चुन लवे, जो पिक कर लवे, चूज कर लवे, दैन ये भी हो जाती है। अंतलियां लाइना ने बिल्कुल, परम गया पै मोह बिना से मिटिया सकल विसूरा, हुण मेरे सब विसूरे अंदेशे, डुअलिटी, डायलेमा, कन्फ्यूजन, एवरीथिंग हैज गोन अवे, आई एम टोटली आउट ऑफ ऑल दीज एक्चुअली डार्कनेस। ऑन दैट साइड पीपल कैन एंजॉय एनलाइटमेंट, क्योंकि अंधेरे तो बाहर आओगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन रही जाएगी, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, नो
Does God listen my prayers or not? I have no clue. Well, but I'm thinking about it. इस किस्म की फिर अगला सैकेंड लूट आता है फिर बंदा एक फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है ओ नो 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 दिस वर्ल्ड इज जस्ट ओनली जो मैं लोगों को कहूँगा लोगों को नहीं पता है सो लैट दैम लैट 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 लैटली ट्राई टू चीट दैम उन्होंने चीट करते हैं पहले अपने आप ना करता है फिर माँ बाप नाल भैन भरावान फिर सिस्टम नाल फिर तुरै जाता है इस दैट्स वाई वी हैव दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड पर जिन्हों ये भरम लै गया नो 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 मेरी कॉन्शियस जी बैठा सब देख रहा सब देख रहा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ बी ऑनेस्ट विद एवरी वन अपने सच तो सच्यार बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा सच खंड ही जाएगा जो सच का रूप हो गया गुरु बाबा जी ने कहा बात बन गई हुण होया ये भरम गया पहमो बिना से मिटिया सकल विसूरा नानक दया करी सुखदाता भेटिया सतगुर पूरा ये सुखदाते ना बड़ा तरस किया मैं सतगुरु को भेट होने की सू जो बाणी है ये सारे दे विच की करिए कि गुरु बाबा जी कहिंदे सतगुरु नूं भेट हो जा बाणी वर्गी रचना नूं पढ़ सुन ते उहदे नाल जुड़ के जिहड़ी एक्चुअल लैवल ते जिहड़ा थॉट है उहनूं अटेन कर उही तेरी हैल्प करेगा सब रहमत करन इन आलमी वाकई जो चंगेरी प्रेरणा मिले गुरमती होइए इन्नी एक बेनतियां नाल खिमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।